हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर हज़ारों वेब सीरीज़ है और जहां पर कुछ वेब सीरीज़ पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, वहीं पर काफ़ी सारी वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने के बावजूद भी अंडररेटेड रह जाती हैं। और आप मानो या ना मानो, लेकिन नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी अमेजिंग वेब सीरीज़ ऐसी हैं जो आपने अब तक नहीं देखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनके बारे में सुना ही नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही सात हिडन जेम्स वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं और आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसे आप बहुत ही तबीयत के साथ इग्नोर करते हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज आती है ट्रेवलर्स। ये सीरीज आज तक की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज में से एक है। सीरीज की स्टोरी कई सेंचुरीज फ्यूचर में सेट है, जहां से कुछ ट्रेवलर्स प्रेजेंट की टाइमलाइन में आते हैं दुनिया को एक बहुत ही भयानक फ्यूचर से बचाने के लिए। एक्सीलेंट स्टोरी, टॉप नॉच एक्टिंग, ये सीरीज आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी तरह से हुक रखेगी। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग स्टोरी, 3 seasons, नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। दूसरी सीरीज आती है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसके टोटल 2 seasons नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं कि मार्को पोलो दुनिया की सबसे ज्यादा अंडररेटेड सीरीज है। अगर इसे ऑडियंस मिली होती तो आज गेम ऑफ थ्रोन्स की जगह इसका नाम होता। सीरीज सेट है 13th century मंगोलिया में, जहां पर स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर मार्को पोलो को, जो आधी दुनिया पार करके कुबलाई खान के राज में आकर फंस जाता है। और इसके बाद होता है सीरीज में बवाल। season 1 काफ़ी अच्छा है और season 2 को आज तक का बेस्ट सीजन कंसिडर किया जाता है किसी भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज का। मार्को पोलो दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बनाई गई सीरीज है, लेकिन इसे ऑडियंस ना मिलने की वजह से नेटफ्लिक्स को $200 million का लॉस हुआ और इसे 2 seasons के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। भले इसे हिस्टोरी इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज ज़रूर देखना। थर्ड सीरीज है मिडनाइट मास। ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसे माइक फ्लैनेगन ने बनाया है। अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि माइक फ्लैनेगन ने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर जैसी अमेजिंग सीरीज बनाई है। सीरीज की स्टोरी एक आइसोलेटेड आइलैंड कम्युनिटी पर फॉलो करती है, जहां पर एक नए प्रीस्ट के आने के बाद वहां के जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ही सुपर नेचुरल मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और डार्क चीजें होने लगती हैं। सीरीज थोड़ी स्लो बर्न होने की वजह से स्टार्टिंग में आपको बोर कर सकती है, लेकिन देखते रहना क्योंकि जैसे जैसे सीरीज एंड की तरफ जाएगी फास्ट पेस होती जाएगी और आपको एक ऐसी एंडिंग देगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज, टॉप नॉच एक्टिंग, कमाल की कैरेक्टर डेवलपमेंट, 1 season कंप्लीट स्टोरी, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। फोर्थ सीरीज है इनसाइड जॉब। अगर आप कंस्पिरेसी थियरीज में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। ये अडल्ट एनिमेशन सीरीज एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां पर सारी कंस्पिरेसी थियरीज रियल हैं। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है शैडो गवर्नमेंट की एक टीम को जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और इस तरह की सभी कंस्पिरेसी थियरीज को सीक्रेट रखती है। वॉइस एक्टिंग और एनिमेशन इस सीरीज के बहुत ही कमाल के हैं और अगर आप में थोड़ा बहुत भी सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। फिफ्थ सीरीज है गुड गर्ल्स। ये एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसके टोटल 4 seasons नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 3 moms को जो फाइनेंशियली बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं और वो इससे निकलने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी करती हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। सीरीज के कैरेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और गुड गर्ल्स एक हाईली एंटरटेनिंग सीरीज है। बस आप इसे कोई मास्टरपीस एक्सपेक्ट करके मत देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ सीरीज है सेफ और ये एक ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर टॉम को जो 2 teenage लड़की का फादर है और जब टॉम की एक बेटी डिसअपियर हो जाती है तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करता है, जिसके चलते उसके सामने बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट्स आने लगते हैं उसके आसपास के लोगों के। कमाल की स्टोरी, टॉप नॉच एक्टिंग और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एंडिंग, ये सभी मिलकर इस सीरीज को एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में लाते हैं और ये लिमिटेड सीरीज आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। 7th और इस वीडियो की लास्ट सीरीज है ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो 2021 में रिलीज हुई थी। अगर आपको कुछ डार्क, माइंड बेंडिंग और ट्विस्टेड स्टोरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए 100% मस्ट वॉच है। मैं तो इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज स्टोरीज की कैटेगरी में रखता हूँ और लीड एक्ट्रेस रोजा सेलाजार की परफॉर्मेंस आपको 1 second के लिए भी बोर नहीं होने देगी। 1 season कंप्लीट स्टोरी हिंदी में देख सकते हैं। बस ये याद रखना कि इस सीरीज को कुछ खाते पीते टाइम मत देखना, बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टिंग है।
तो बस गाइस, आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इनमें से कोई सी वीडियो देख सकते हो, दोनों काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।